नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लीगल पाठशाला। आज हम करने वाले हैं 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स, और आज की कुछ न्यूज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर वो एग्जाम के लिए जिसमें करंट अफेयर्स और जीके का सेगमेंट आता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर मेडल वाले जो दो पर्सनैलिटीज है, हाँ, ये हमारे इंडियंस ही हैं, है ना? राइट। तो ये एक मतलब आप मान के चलो, इस बार का जो एशिया कप है, बहुत सारे गोल्ड आए हैं, बहुत सारे सिल्वर आए हैं। क्रिकेट की बात करें, चाहे जेवलिन की बात करें, एथलेटिक्स की बात करें, शॉट पुट की बात करें, सभी में हमारे जो है गोल्ड मेडल आए। हाँ, नो डाउट, चाइना के मुकाबले तो कम है, ठीक है, 201 ही है चाइना के, और हमारे जो है फोर्थ नंबर पे 28 है। चाइना के 383 मेडल्स है टोटल और हमारे 107 है, यानी कि लगभग लगभग हाँ एक चौथाई है अपने पास लगभग, तो ऐसा ही कुछ। बट कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अगली बार थर्ड आएंगे, फिर सेकंड आएंगे, और गॉड नोस फर्स्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स का स्तर, अगर थोड़ा सा करप्शन कम हो जाए ना इंडिया में, तो स्पोर्ट्स का स्तर भी जो है बढ़ सकता है। चलिए, आज की सेकंड ताजा खबर जो है वो ये है। यहाँ पे ये जो फोटो में आप देख रहे हैं, इस फोटो को देखते ही आपको पता पड़ जाना चाहिए कि इनको भी नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन नोबेल प्राइज इनको किस में मिला है? इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ सर, सितंबर मंथ करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो हो सकता है, रिवीजन भी हो जाएगा। जी ठीक है, डन, संडे को करवा दूंगा। हाँ, इंग्लिश की क्लास कब होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये जी। एक्चुअली क्या है कि महासंग्राम की तैयारी हो रही है, तो इस वजह से क्या है, एक दो दिन का डिले हो रहा है। समझ लीजिए आप, शानदार होने वाला है जो भी अब होने वाला है, ठीक है। क्लाउडिया गोल्डन, जिनको 2023 में इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज मिला है, और पे गैप वर्क, यानी कि जो पेमेंट गैप रहता है ना, उससे रिलेटेड हो गया। तो लीगल पाठशाला में आपका स्वागत है, और हैदराबाद ने ऑर्गेनाइज किया है दिव्य कला मेला, ठीक है। दिव्य कला मेला जो यहाँ पे हैदराबाद की में, जो ये सिकंदराबाद है, यहाँ पे 6 से 15 अक्टूबर तक होने वाला है, अभी चल रहा है। और इस तरह का जो यहाँ पे डिसेबल्ड आर्टिसंस है, डिसेबल्ड का मतलब जो चल फिर नहीं सकते या फिर कोई डिफेक्ट हो उनकी बॉडी में, उन लोगों ने ये दिव्य कला मेला लगवाया है। बहुत ही शानदार है ये, राइट। और ये हमारी ऐप है लीगल पाठशाला बाय करण सर, जूम करके देख लीजिए। इसी के अंदर आपको पेड कोर्सेस मिल जाएंगे, बेस्ट सीरीज मिल जाएगी। हाँ, और ये करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट है, करंट अफेयर्स का, यहाँ पे आपको पीडीएफ भी यहाँ की मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, और ये जेएलओ एग्जाम की तगड़ी रिवीजन, 6 बजे तो कराएंगे करण सर सुबह सुबह। हाँ, मतलब आप टाइम देखो यहाँ पे, किसी भी किसी को भी ये टाइम से अड़ाव नहीं होगा, क्योंकि एक तो है सुबह 6 बजे, 6:15 पर, और मैं हूं 9:15, ठीक है। तो 9:15 जेएलओ की तगड़ी रिवीजन कराऊंगा मैं, और सरप्राइज है आप लोगों के लिए, तो मैं वो अभी बता नहीं सकता, सॉरी। आफ्टर बिहार, राजस्थान अनाउंस्ड केस कास्ट बेस्ड सेंसस। हाँ जी, गुड़िया कुमारी कोई चीज काम अच्छा करते हैं ना, तो उसमें देरी लगती है। हाँ ठीक है, तो 9:15 वाली क्लास ऑफ किसने करी, आपको ये कौन बोलता है कि? हाँ राइट, ठीक है। तो 9:15 में महासंग्राम होने वाला है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। चलो, ये है हमारे राहुल गांधी और ये है हमारे अशोक गहलोत, तो ये दोनों ने मिलके अभी कास्ट बेस्ड सेंसस जो है यहाँ पे निकाला है, वहां पे राजस्थान में, तो पहले बिहार, और इस तरह का क्वेश्चन कैसा बनेगा देख लीजिए। हाँ
Which is the second state after बिहार to conduct a caste survey? करण सर ने सुबह ही बता दिया। शिट, ये तो चौप हो गया। हाँ जी, हिंदी भी क्लास में हिंदी के भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं। शिट यार, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेट आफ्टर बिहार जो है वो कौन बना है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे क्यों बढ़ रहा है ये। नेक्स्ट है, इंडिया रिक्लेम्स एआईबीडी। एआईबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। और एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी है ये अनुराग ठाकुर, बीसीसीआई के चेयरमैन रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी यूनियन मिनिस्टर हैं। तो तीसरी बार एआईबीडी के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अपने भारत बना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंसेस 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज फॉर वुमेन। ये तो एक बहुत अच्छी बात है, 35% का। हाँ ठीक है, 35% का जो रिजर्वेशन है ये कौन किया है? हाँ, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज फॉर वुमेन, वुमेन इन एमपी टू गेट 35% रिजर्वेशन फॉर जॉब्स। बिल्कुल परफेक्ट है, शानदार। नेक्स्ट देखें, ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो आपको फोटो दिख रही है ये स्पेस में जाने के लिए तैयार है, मेड इन इंडिया है। हाँ, नासा कहाँ लिखा है? ये नासा पीछे की साइड में लिखा होगा। ठीक है, तो ये क्या चीज है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसरो का फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1 इज अ क्रूशियल टेस्ट फॉर विच मिशन? किस मिशन के लिए ये व्हीकल अबॉर्ट मिशन हुआ है, टेस्ट मिशन हुआ है? ठीक है, आदित्य L1, मंगलयान, चंद्रयान 3 या फिर गगनयान? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ ये आपने यूपीपीसीएस जे का एग्जाम होता है ना, या बिहार जुडिशरी का एग्जाम होता है, उसके अंदर जो है ना एक साइंस एंड टेक का सेगमेंट है, वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं, पीसीएस एग्जाम्स की बात करते हैं, तो जो साइंस एंड टेक का है वो इधर से आता है। तो ये आदित्य L1 तो लॉन्च हो गया ना, हो गया लॉन्च, तो ये नहीं हो सकता। चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो गया। इसका आंसर है गगनयान। ठीक है, फोटो दिखाते हैं आपको, इसका आंसर है गगनयान, ऑप्शन नंबर डी। और फोटो कहाँ गई? हाँ ठीक है, ये टेस्ट व्हीकल है, ये ऊपर जाएगा। वो सारी चीजें परफेक्ट है, मतलब वो जो ऑर्बिट में जाता है ना जो, हाँ तो एक एक चीज परफेक्टली इससे पता पड़ जाएगी हमको, और उसके बाद फिर हम गगनयान को भेज देंगे, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन सोर्स? ठीक है, ऑपरेशन आयरन सोर्स जो है ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है, बताना है। यूक्रेन, इजराइल, रशिया या यूनाइटेड स्टेट्स? क्या बात है, ना इंसान नहीं जाएगा, ये तो टेस्ट व्हीकल है, टेस्ट व्हीकल के अंदर इंसान को नहीं भेजते कभी भी। जी रेलिवेंट डाउट था बिल्कुल। सर मुझे वो मेंस के टॉप कुछ लिए कुछ टॉपिक्स पर ऐसे चाहिए, आप बता देना। ठीक है, मेंस एग्जाम कब है मेंस का ये बताएं। बिल्कुल, इसका आंसर जो है इजराइल है, और आपको पता होगा वो 500 मिसाइल्स, 5,000 मिसाइल्स, हाँ के बारे में आप बहुत सुन रहे होंगे अभी। आप 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए उन्होंने कह दिया है कि वॉर होगा, अब 10 साल वॉर करेंगे वो इसराइल। देखो यहाँ पे, इसराइल डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ वॉर।
हाँ, पैलेस्टीन अटैक जो है, ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इसराइल इन रिस्पॉन्स टू सरप्राइज अटैक बाय हमस। हमस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टीन की, ठीक है। हाँ, फ्री होते ही बता दीजिएगा मैं आपको। एक्चुअली अगर मैं अभी आप किसी को अगर अभी ऐसे दूंगा ना मैं, तो वो एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम से 20 से 25 दिन या 1 महीना पहले पूछोगे तब मैं आपको दूंगा ना, तो वो 100% एग्जाम में आ जाएगा। जी, मैंने पहले आपको कहा था ये सब छोटी छोटी चीजें जानबूझ के हो रही है, और 2024 तक मेरे को लग रहा है कि भारी संभावना हो जाएगी। ठीक है। और ये जो भारी होगी ना, इसमें सबसे ऊपर आएगा चाइना का नाम, और चाइना के साथ अगर नॉर्थ कोरिया आ गया फिर क्या करेंगे अपन लोग, बताओ मुझे। चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया आ गया, हाँ, तो क्या होगा बताओ, कुछ सोचा आपने? और सबसे पहले जो अटैक करेंगे ना वो लोग, वो दो ही जगह पे करेंगे। तो दो जगह पता है कौन सी है? हाँ, गैस मारो। चलो, वो दो जगह कौन सी होगी जिस पे ये चाइना और नॉर्थ कोरिया अटैक करेंगे? एक गैस करके देखो। ये बातें तो है लेकिन ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत जरूरी है ये चीजें। हाँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखते कितना आ जाता है। बिल्कुल ना, ना ना, अमेरिका और इंडिया, यूएसए को तो खत्म करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर चाइना को सुपर पावर बनना है तो यूएसए को खत्म करना पड़ेगा, और इंडिया को तो खत्म करेंगे ही वो लोग। तो देख लो आप, ये देखो इसराइल की लोकेशन। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं। हाँ, ये अफ्रीका का पार्ट हो गया। सर, इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए हैं एमपी और बाकी स्टेट्स में, इस साल के एमपी सीजे होगा क्या फिर? जी होगा। और मजे की बात यह है कि आरजेएस की भी वैकेंसी आएगी और एमपी सीजे की भी वैकेंसी आएगी। पूरा ध्यान से अच्छे से पढ़ो। हाँ ठीक है जी। और ये देखो इसराइल का पार्ट है ना, ये अफ्रीका के ऊपर की साइड में ये सऊदी अरब वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे इसराइल है, इसको जूम करके बताता हूँ मैं। ये इसराइल का पार्ट है, ठीक है। और ये है वो गाजा, ये गाजा जगह दिख रही है, ये लोग परेशान कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। यहां से ये सीरिया देखो किस साइड है, देखो सीरिया भी इधर ही की साइड है। तो मतलब बहुत परेशानी वाला मामला है यहाँ पे। रशिया, इजराइल, इंडिया साथ होगा देन चाइना और नॉर्थ कोरिया कुछ पाए कर पाएगा। वैसे तो मैं एक बात बताता हूं, हाँ वैसे तो मैं बता देता हूं आपको, अगर रशिया जो है ना, अकेला खड़ा रहे तो चाइना कुछ बिगाड़ नहीं सकता। रशिया इज रियली वेरी पावरफुल, सच बात तो ये है। डिफेंस इक्विपमेंट शानदार, ठीक है, टेक्निक शानदार, मतलब एवरीथिंग जो चीजें चाहिए डिफेंस को। और आप खुद सोचो, रशिया ने 2 दिन पहले, 2 दिन पहले 70% जो है अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पर खर्चा क्यों बढ़ाया? जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है 70% क्यों बढ़ाया, वो भी इसी साल से? हाँ, कुछ सोचा होगा आपने, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, मतलब है कि नहीं? 70%, मतलब अगर जहां पे 100 रुपए खर्च करते थे वहां पे आप 170 रुपए खर्च कर रहे हो, है ना। जहां पे 1 लाख रुपए खर्च करे थे वहां पे 1,70,000 रुपए खर्च कर रहे हो, कुछ तो होगा ना। इसराइल के पास भी बहुत डिफेंस है, बिल्कुल टेक्नोलॉजिकली। हाँ, वैसे तो सबसे बेस्ट तो यूक्रेन था, लेकिन अब यूक्रेन को भी खत्म कर दिया है जी। इंडिया रशिया एक ही है जी। अरे, इन पर्सनालिटी का नाम किसी को पता है क्या?
सोशल मीडिया पे पूरे वर्ल्ड में ये छाया हुआ है, ये पर्सन कोई बता सकता है ये पर्सन का नाम क्या है? चलिए देखते हैं कौन इनको पहचानता है। हाँ, इज़राइल इज ऑल्सो, हाँ, नाम बताओ। एस सोमनाथ, इसरो के चेयरमैन है ये। हाँ बिल्कुल, श्री एस सोमनाथ नाम है इनका। हाँ अरे बहुत शानदार लीडर है ये जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विक्रम साराभाई, सतीश धवन, एपीजे अब्दुल कलाम के बाद अगर कोई ऐसी पर्सनैलिटी आई है तो उनका नाम क्या है? एस सोमनाथ है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। ठीक है, शानदार पर्सनैलिटी। तो इन्होंने कर क्या रहे हैं ये? तो ये क्या है, कुकोन करके एक जगह है। हाँ गोरे हो गए वो, हो जाते हैं। अरे इसरो तो गजब तरक्की कर रहा है। बिल्कुल, आप खुद सोच के देखो, चंद्रयान 3 के जस्ट 1 महीने के अंदर अंदर द्वितीय एल्बम लॉन्च। हाँ मतलब गजब का डेवलपमेंट हो गया है। और ये आपको पता होगा, हजारों करोड़ रुपए लगते हैं इन चीजों के लिए। 16th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड पॉलिसीज कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम क्या है, कुकून, वॉज होस्टेड बाय विच स्टेट? तो कौन से स्टेट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट किया था? जो होस्ट के अंदर जो एस सोमनाथ जो है सबसे पहले थे, बताएं कहाँ पे है? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? जी इसका आंसर बिल्कुल ना, केरला इज द राइट आंसर। केरला है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी केरला। ना तेलंगाना नहीं है इसका आंसर। हाँ एस सोमनाथ को देख के तेलंगाना नहीं लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट क्यूपर, ठीक है, प्रोजेक्ट क्यूपर टू प्रोवाइड फास्ट अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस बिलोंग्स टू विच कंपनी? ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्यूपर जो है ना, पहले तो पता है मेरे को क्या लगा, हाँ ये प्रोजेक्ट क्यूपर जो है अंतरिक्ष का होगा कुछ सीन, बट ये अंतरिक्ष का नहीं है। हाँ ये तो एक फास्ट और अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस कंपनी है। अब ये किसकी है वो बताना है मुझे। एक्चुअल में पता था कि आप लोग स्पेस एक्स करेंगे, कंफर्म पता था। और फिर पता है मैं क्या करूंगा, ऐसे काटूंगा, फिर मुझे मजा आएगा। जी इसका आंसर है अमेज़न। ठीक है, हाँ अमेज़न इज द राइट आंसर। ये क्या हो गया? इसका आंसर है अमेज़न, बिल्कुल सही है। हाँ और ये जो प्रोजेक्ट क्यूपर है, ये देखो, ये कुछ अलग चीज बता रहा हूं मैं। ये जो सैटेलाइट्स को जब लगाएंगे वहां पे ऊपर जो पहुंचाएंगे, और ये जो सैटेलाइट जो रॉकेट पहुंचाएगा वो ये रॉकेट्स है। ठीक है, अमेज़न की जो कंपनी है उसका नाम ब्लू ओरिजिन भी है। ठीक है, अलग अलग तरह से है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे गांधी जी और उनकी सेना, जो ये मेरी फेवरेट फोटो है, ये वाली शानदार है, लगती है। तो फटाफट से रिवीजन, 1885 के अंदर, हाँ यहाँ पे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी डब्ल्यू सी बैनर्जी, एओ ह्यूम और लॉर्ड डफरिन, जो कि ये गवर्नर जनरल थे, ये फर्स्ट सेक्रेटरी थे और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थे, वो भी बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर। इसके बाद में जो 1886 आया, 1885 के बाद 86 आया, तो दादा भाई नरोजी द ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंसी संभाली, जो कि कहाँ हुआ था ये, 1886 के अंदर ये हुआ था अपने कलकत्ता,
बंगाल में हुआ था, बंगाल में। हाँ, 1887 के अंदर बदरुद्दीन तैयब जी आए, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बने। उसके बाद जॉर्ज यूल आए, जॉर्ज यूल को फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बनाया गया। उसके बाद में फिर सर विलियम वेडरबर्न आए, एग्जाम में अभी तक आया नहीं है तो इम्पोर्टेंट कर लो, 1889 के अंदर महाराष्ट्र सेशन। उसके बाद में कैलकटा सेशन हुआ 1890 के अंदर, फिरोज शाह मेहता बने प्रेसिडेंट। उसके बाद में 1891 के अंदर सर पनपकम आनंद चरलू बने 1891 के अंदर, नागपुर सेशन के आईएनसी के। फिर दादाभाई नरोजी को इलेक्ट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और पहले ऐसे एशियन थे जिन्होंने ये क्या कहते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन लड़ा और जीता। 1892 के अंदर हो रही है ये बात। और इसी के साथ 1892 में डब्ल्यू सी बैनर्जी को अलाहाबाद सेशन में वापस से प्रेसिडेंट चूज किया। 1893 के अंदर दादाभाई नरोजी फिर से आए। हाँ, और इनकी किताब थी बहुत ही शानदार, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1894 के अंदर एल्फर्ड वेब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के अंदर जो भी एग्जाम होंगे उसमें आएगा, ये कंफर्म आएगा, क्योंकि 200 साल हो गए। कितने साल हो गए? 200 साल, तो इसीलिए आने की संभावना है। 1895 के अंदर सुरेंद्र बैनर्जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने पुणे सेशन के अंदर। 1896 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था ये, क्योंकि पहली बार हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो गाया गया, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और वो जो लिखा था वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, क्योंकि आईएनसी के सेशन में ही गाया गया था, तो रहमतुल्ला एम सयानी ये उधर के प्रेसिडेंट थे। फिर बात करते हैं हम 1897 की। 1897 जो है यहाँ पे अमरावती, अमरावती जो है आप सब जानते होंगे, ये हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर है। पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती थी, लेकिन अब विशाखापट्टनम हो चुकी है। तो वहां के जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम था सी शंकरन नायर, सर चेतुर शंकरन नायर थे उनका नाम, एक लॉयर थे बड़े। और 1897 के अंदर इन्होंने प्रेसिडेंसी रखी थी। ही रोट गांधी एंड एनआरजी, गांधी और एनआरजी एक किताब है, उन्होंने ये लिखी थी 1922 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 में मद्रास सत्र हुआ, और मद्रास सत्र के अंदर आनंदा मोहन बोस, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, आनंदा मोहन बोस, हेल्ड बिटवीन 26 to 30th 1898। ये लोग क्या करते थे ना, अच्छा मैं एक और चीज बताता हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग होती थी वो 27 से लेके 30 दिसंबर तक होती थी। ये 3 से 4 दिन होती थी, और जो प्रेसिडेंट बनाया जाता था वो अगले साल के 26 तारीख तक बनाया जाता था। तो इन दिनों में डिस्कस करते चीजों को, और फिर वो उसको पूरे साल पर क्या करते, पूरा करते। और ये अभी भी होती है, अभी भी होती है ये, ठीक है। मद्रास का अब नाम तमिलनाडु है, तो चेन्नई जिसको कहा जाता है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ही है। तो उस समय ये प्रेसिडेंट रहे, एक बहुत बड़े लॉयर और पॉलिटिशियन थे। 1899 के अंदर रोमेश चंद्र दत्त, ये रोमेश चंद्र दत्त जो है ना, भारी पर्सनैलिटी है। इनका नाम देखो ऐसे याद नहीं रखोगे, आरसी दत्त, हाँ ऐसे नाम से अपन पहचानते हैं इनको, रोमेश चंद्र दत्त नाम से तो अपन इनको पहचानते ही नहीं है। तो ये प्रेसिडेंट बने 1899 के अंदर, और ये लखनऊ के प्रेसिडेंट बने थे। एग्जाम में आया नहीं है, क्वेश्चन आने की संभावना है। सिविल सर्वेंट थे 1871 के अंदर, और इन्होंने भी किताब लिखी है जिसका नाम है पीजेंट्री ऑफ बंगाल, ठीक है, पीजेंट्री ऑफ बंगाल। 1900 के अंदर लाहौर में एनजी चंदवरकर जो है फेमस पर्सनैलिटी, जिनका नाम पूरा क्या था, सर नारायण, सर की उपाधि थी इनके पास में, अंग्रेजों ने दी थी, सर नारायण गणेश चंदवरकर, जो कि एक हिंदू रिफॉर्मर थे, और इनको ऐसा कहा जाता है लीडिंग हिंदू रिफॉर्मर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया के जो है अच्छे खासे ये लीडर।
नेक्स्ट डेट्स इट फॉर द क्लास। मतलब आज की जो क्लास है क्वेश्चंस तो थे ज्यादा, और नॉलेज भी था अच्छा खासा इसमें। हर एक चीज इसमें आ गई, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, सारा इसमें कवर हो गया सिर्फ और सिर्फ 26 मिनट के अंदर, ओनली इन 26 मिनट्स। तो ध्यान रखिएगा, ये अगर आप रिकॉर्डेड भी देखते हैं तो इसका फायदा ही मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।